टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज उन्नाव। पड़ोसी थाना बेटा मुजावर अंतर्गत पतेली खेड़ा पुल के निकट शारदा नहर में स्नान करते समय एक 22 वर्षीय युवक और उसके दो भांजे अचानक गहरे पानी में चले गए। हादसे में दोनों भांजे तैरकर बाहर निकल आए, जबकि युवक नहर की तेज धारा और गहरे पानी में डूब गया। यह देखकर ग्रामीण दौड़े और युवक की खोजबीन करने में असफल रहे। युवक का शव कड़ी मशक्कत के बाद 6 घंटे बाद गोताखोरों ने निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। जनपद हरदोई के थाना कासिमपुर अंतर्गत ग्राम बड़ा गांव बंदला निवासी वीरेंद्र कुमार पुत्र जसकरण आज प्रातः अपने भांजे रोहित पुत्र लालता प्रसाद निवासी ग्राम पलिया थाना चंडीला हरदोई तथा अंकित पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम अटिया थाना कासिमपुर हरदोई के साथ बाइक से थाना बेटा मुजावर अंतर्गत शारदा नहर का पतेली खेड़ा पुल देखने आया था। तभी 11 बजे युवक अपने दोनों भांजों के साथ नहर में स्नान करने लगा। स्नान करते समय तीनों मामा भांजे गहरे पानी में जा पहुंचे। भांजे रोहित और अंकित दोनों तैर कर बाहर निकल आए, लेकिन मामा वीरेंद्र गहरे पानी में डूबने लगा। और किससे ऐसी बात है ना? डॉक्टर सुनील कोराडे समुदाय स्वास्थ्य के विभाग में मेडिकल डॉक्टर। क्या मामला था? एक डेड बॉडी है, मरीज लाया गया, उसका नाम था वीरेंद्र तथा जसकरण, 22 साल उम्र थी, बड़गांव बंदला गेड़ा कासिमपुर हृदय करने वाला था, मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।